हे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम ये बहुत ही सिंपल से चार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें करना क्या है, वो कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये चार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है हमारे पास, रूट्स फाइंड आउट करो इफ दे एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेंगे तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो देखो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इस मेथड को यूज करने के मल्टीपल वेज हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगा कि फर्स्ट दो क्वेश्चंस तो मैं एक ही तरीके से सॉल्व करूंगा, इसको फिर अलग तरीके से सॉल्व करूंगा और इसको फिर थोड़ा सा और अलग तरीके से सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। देखो, हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि सबसे आसान तरीका इसका ये है कि जो एक्स स्क्वायर है, इसका जो कॉफिशेंट है उसको आप वन बना लो, ठीक है, उसको आप वन बना लो। तो इसको वन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं दोनों साइड टू से डिवाइड कर दूं तो मैं यहां लिखूंगा डिवाइड बोथ साइड्स बाय टू। तो अगर मैं दोनों साइड्स को टू से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा मेरे पास टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू माइनस सेवन बाय टू एक्स प्लस थ्री बाय टू इज इक्वल टू जीरो बाय टू, राइट। यही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ दो से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा, ये टू के साथ टू कट गया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन बाय टू एक्स प्लस थ्री बाय टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया कि बेसिकली मुझे इसका कॉफिशेंट जो है इसको वन करना था। और उसके बाद जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स में और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में समझाया कि आपको अब सिर्फ और सिर्फ ये जो एक्स वाली टर्म्स हैं इनके ऊपर फोकस करना है, तो बेहतर ये होता है कि जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको आप दूसरी तरफ ले जाओ, उससे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान रहता है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, अब एक्स स्क्वायर माइनस सेवन बाय टू एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू। देखो, इसका कॉन्सेप्ट समझना हो अगर डिटेल में तो ये जो मैं लिंक दे रहा हूँ इसको जरूर देख लेना, उससे समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं और इनका अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस साइड पे एक स्क्वायर कंप्लीट करना है और उसका तरीका क्या है कि एक्स का जो कॉफिशेंट है, एक्स का जो कॉफिशेंट है सिर्फ मुझे उसके ऊपर फोकस करना है, वो चाहे पॉजिटिव का हो चाहे नेगेटिव का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और इसके हाफ का स्क्वायर ही मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन बाय टू एक्स, तो सेवन बाय टू का हाफ, तो यानी कि हाफ ऑफ सेवन बाय टू, इसका स्क्वायर ही मुझे ऐड करना है और इसी का ही स्क्वायर और इतना ही मुझे सब्ट्रैक्ट कर देना है ताकि कोई फर्क ना पड़े, जिसको ऐड किया उसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया इज इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू, ठीक है। ये इतना हो गया, चलो बाकी मैं यहां पे इधर सॉल्व कर देता हूं। देखो, अब ये कितना आ जाएगा, इसको यहां लिखते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन बाय टू एक्स और यहां से मेरे पास आ गया सेवन बाय फोर प्लस सेवन बाय फोर इसका होल स्क्वायर। इसको कभी सॉल्व मत करो, इसको स्क्वायर को कभी सॉल्व मत करो, जो पॉजिटिव वाली टर्म है हमें इन दोनों के साथ एक्स वाली टर्म्स के साथ सिर्फ पॉजिटिव वाली टर्म रखनी है, नेगेटिव वाली टर्म हमेशा उस तरफ चली जाएगी। इसको नेगेटिव वाली टर्म को उधर ले जाते हैं तो यह आ जाएगा माइनस थ्री बाय टू प्लस सेवन बाय फोर का होल स्क्वायर। देखो, इस साइड पे ये जो स्क्वायर वाली टर्म है ना, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इससे हमें डायरेक्ट कंप्लीट स्क्वायर मिल जाता है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर यहां से आ गया एक्स, ये स्क्वायर वाली टर्म यहां से आ गया सेवन बाय फोर और जो बीच वाली टर्म है एक्स वाली, वहां से अगर प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस, तो यहां आ गया माइनस इसका होल स्क्वायर। तो ये हमेशा इसके बराबर होगा। देखो, ये इसके बराबर क्यों होगा, इसके बारे में बहुत 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 डिटेल में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं और इसके लिए आप वही लिंक जो मैंने आपको बताया था उसको जरूर देखना, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसमें मैं बार बार नहीं बता रहा, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस थ्री बाय टू प्लस फोर्टी नाइन बाय सिक्सटीन, सो दिस इज इक्वल टू सिक्सटीन, यहाँ एलसीएम आया तो यहाँ हो जाएगा माइनस ट्वेंटी फोर प्लस फोर्टी नाइन,
विच इज इक्वल टू 25/16। तो x यहाँ लिख देता हूँ, चलो मैं x माइनस 7/4 इसका होल स्क्वायर इतना हो गया, तो x माइनस 7/4 ये कितना आ जाएगा, ये उधर जाके स्क्वायर रूट होगा, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25/16 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। तो x माइनस 7/4 प्लस माइनस 5/4 के बराबर आ गया, तो इसको थोड़ा सा चलो ऊपर कर लेते हैं, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, x माइनस 7/4 या तो ये 5/4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, या फिर x माइनस 7/4 जो है वो माइनस 5/4 के बराबर होगा। एक बार प्लस की वैल्यू ले ली, एक बार माइनस की, तो यहाँ से x आ गया मेरे पास 5/4 प्लस 7/4 विच इज इक्वल टू 12/4 यानी कि 3, और यहाँ से x आ गया माइनस 5/4 प्लस 7/4 विच इज इक्वल टू 2/4 यानी कि 1/2। तो 1/2 एंड 3 इज द आंसर। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है जो मैं नहीं करूँगा लेकिन आप करोगे, और वो ये है कि x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 1/2 आप यहाँ पे पुट करोगे और फिर देखोगे कि क्या इसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है या नहीं। तो ये वेरिफिकेशन करनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उससे कंफर्म हो जाता है कि आपने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसी कैलकुलेशंस में ना कहीं मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इसीलिए वेरिफिकेशन जरूर करना। ओके, लेट्स नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट भी एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करेंगे लेकिन थोड़ा सा क्विकली। तो सबसे पहले मुझे इसको, इसके कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो दोनों तरफ मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, सो लेट्स डू इट, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। तो मैं थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स बाय 2, ये हो जाएगा माइनस 4/2 यानी कि 2, और इधर आ जाएगा 0, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, सबसे पहले x वाली टर्म्स इधर रखो, तो इसको चलो मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1/2x, ठीक है, तो x का कोफिशियंट अलग से लिख लो, इज इक्वल टू, ये उधर जाके हो गया 2, और अब इसका जो कोफिशियंट है उसका हाफ यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, तो इसका हाफ यानी कि 1/2 का हाफ हो गया 1/4, और उसका स्क्वायर मुझे ऐड करना है और उसका स्क्वायर ही मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, इज इक्वल टू 2। 1/2 का हाफ, 1/2 का हाफ हो गया 1/4, उसका स्क्वायर ऐड किया और उतना ही माइनस कर दिया। तो अब इसको हम लोग इधर रखते हैं, इसको उधर ले जाएंगे, तो एक स्टेप और लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। तो इसको जैसे मैंने आपको बताया सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, ये डायरेक्टली अब क्या आ जाएगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की टर्म में से x आ गया, ये स्क्वायर वाली टर्म में से 1/4 आ गया, और बीच वाली टर्म में से ये प्लस का साइन आ गया, इज इक्वल टू 2 प्लस 1/16। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये होगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1/16, 16 एलसीएम, और ऊपर आ जाएगा 32 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 33/16, ठीक है। तो अब ये x प्लस 1/4 स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/16 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33, ऊपर तो इतना ही रह गया, और नीचे मैं इसको लिख सकता हूँ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो है वो 4 हो गया। तो x की दो वैल्यूज आ गई मेरे पास, एक हो गई x प्लस 1/4 इज इक्वल टू, एक बार पॉजिटिव वैल्यू स्क्वायर रूट 33/4, और एक बार नेगेटिव के साथ, तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 33/4, ये दो वैल्यूज हो गई, और इन दोनों को अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ से x मेरे पास कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 33/4 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 33 माइनस 1/4, तो एक आंसर तो ये आ गया, और यहाँ से x हो गया मेरे पास माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 33/4 माइनस 1/4, तो दिस इज इक्वल टू 4 एलसीएम, और ऊपर आ जाएगा माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 33 माइनस 1, तो ये हो गया मेरा दूसरा आंसर। और अब वापस
इन्हीं दोनों वैल्यूज को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखो कि क्या आपका जो आंसर है ये जो इसकी वैल्यू है ये जीरो आती है या नहीं, ये वेरीफाई अब आप खुद करना। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और उसको हम डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें ये जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट है इसको हम वन नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वेयर की फॉर्म में है। देखो ये ऑलरेडी जो है अगर इसको ध्यान से देखो तो ये 2x का होल स्क्वायर है, राइट? ये पहले से स्क्वायर की फॉर्म में है तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना और आसान हो जाता है, उसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती। मैं आपको समझाता हूँ, देखो आगे क्या है, आगे ऐसे के ऐसे लिख लो 4 स्क्वायर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सिंपल सा है। हमें क्या करना है कि ये जो स्क्वायर वाली टर्म है ये क्या है, 2x का होल स्क्वायर, तो मुझे इसमें से भी 2x निकालना है। कैसे, देखो ये है 2x का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको अगर मैं लिख दूं 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 तो अंदर क्या बच जाएगा, इंटू 2x, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, 2 इंटू 2 इज 4, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 और x का x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो गया 2x का होल स्क्वायर और यहां पे भी मेरे पास 2x आ गया। ठीक है, और अब नेक्स्ट वही है कि इसके साथ जैसे ये 2 स्क्वायर रूट 3 है इसका हाफ और उसका स्क्वायर मुझे ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन यहां पे अक्सर कंफ्यूजन होती है, बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होती है कि 2 स्क्वायर रूट 3 का हाफ करना है या 4 स्क्वायर रूट 3 का हाफ करना है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ये 2x ये 2x आप 2x को y पुट कर दो, सो पुट 2x इज इक्वल टू y, तो उससे हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर अब आप देखोगे ये एग्जैक्टली वैसी ही इक्वेशन बन गई जैसे पिछले दो क्वेश्चंस में थी, y स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है 1, और अब बड़ा सिंपल सा है, अब हम क्विकली इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 3y इज इक्वल टू माइनस 3, कॉन्स्टेंट टर्म में इधर ले गया। अब इसका मुझे हाफ, तो y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 3y इसका हाफ कितना हो गया, इसका हाफ हो जाएगा सिर्फ स्क्वायर रूट 3। ठीक है, 2 स्क्वायर रूट 3 बाय 2, 2 के साथ 2 कट जाएगा, तो इसका हाफ, इसका स्क्वायर मुझे ऐड करना है और इसका स्क्वायर ही मुझे सब्ट्रैक्ट करना है इज इक्वल टू माइनस 3। और अब इस टर्म को मैं इधर ले जाता हूँ और ये मुझे कंप्लीट स्क्वायर दे देगा, तो ये कितना बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब y प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर जाके हो जाएगा माइनस 3 और ये उधर जाके हो जाएगा प्लस 3। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर जो है 3 हो गया तो उधर जाके वो प्लस 3 हो गया तो ये 0 हो गया, तो यानी कि y प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 0। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ये जो y है इसको वापस से 2x पुट कर देते हैं क्योंकि अल्टीमेटली वैल्यू तो हमने x की निकालनी है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 2x प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 0। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0 या फिर 2x प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू माइनस 0। तो प्लस 0 माइनस 0 को कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन जब आप स्क्वायर रूट करते हो तो आपके पास दो वैल्यूज हो सकती हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो इसके दो रूट्स हो सकते हैं, तो इसीलिए हमने प्लस 0 भी लेना और माइनस 0 भी लेना है। तो ये कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ से x आ गया माइनस स्क्वायर रूट 3 बाय 2, तो ये हो गया एक आंसर, और यहाँ से भी सेम ही आएगा 2x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 और x कितना आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 बाय 2। तो बेसिकली दो रूट्स हैं, दो रियल रूट्स हैं और दोनों क्या हैं इक्वल, तो ये याद रख लेना आप, जब भी ये होल स्क्वायर जीरो के बराबर आ जाए तो इसका मतलब आपके जो रियल रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, राइट? अब देखो इस क्वेश्चन को भी मैं एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करूंगा जैसा पिछला पार्ट किया था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। कैसे, देखो मैं इसमें क्या करूंगा कि इसको मैं कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, तो देखो x का तो स्क्वायर पहले से ही है, तो अगर यहां 2 का स्क्वायर भी हो जाए तो ये 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं ये करता हूं मल्टीप्लाई
बोथ साइड्स बाय टू, तो दोनों साइड्स को इक्वेशन की टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4x² + 2x + 8 = 0. जीरो को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही रह जाएगा। और अब हुआ क्या कि ये मेरे पास आ गया 2x² + 2x + 8 = 0, और ये बिल्कुल अब पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया। यहां मेरे पास 2x है और ये ऑलरेडी 2x है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। देखो मैं एक चीज और बताता हूं, मान लो अगर ये ऐसा होता ना कि ये होता 2x² + 3x + 8 = 0, तो यहां 2x आप कैसे निकालते फिर? फिर ये हो जाता 2x² + 3 × 2x, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 से ही मैं इसको डिवाइड कर देता, +8 = 0। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पास आ सकते हैं। यहां तो डायरेक्ट ही 2x निकल आया पहले ही, यहां पे 2x की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से ही मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये 2x मुझे यहां पे मिल गया। तो ये ऐसे करते हैं अगर आपके पास ये टर्म में से डायरेक्टली आप 2x नहीं निकाल पाओ तो। ठीक है, चलो हम वापस इस पे आते हैं, हम इसको हम हटा देते हैं यहां से। ठीक है, और अब फिर से वही हम क्या करेंगे, पुट 2x = y, तो ये मेरे पास हो जाएगा y² + ये पहले ही y रह गया, ठीक है, +8 = 0, और ये y² + y = -8, कॉन्स्टेंट हम उधर ले गए ताकि कंफ्यूजन ना हो। और अब यहाँ y का कॉफिशेंट क्या है, 1, ठीक है, तो 1 कॉफिशेंट है तो 1 का हाफ 1/2 हो गया, उसका स्क्वायर ही ऐड करेंगे और स्क्वायर ही माइनस करेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा y² + y, तो इसका कॉफिशेंट 1 है तो 1 का हाफ और उसका स्क्वायर ऐड किया और इसी को ही हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया −8, तो ये मेरे पास हो गया। अब मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, ये हो गया मेरे पास y + 1/2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर वाली टर्म वहाँ से y आ गया, ये स्क्वायर वाली टर्म वहाँ से 1/2 आ गया, और बीच वाली टर्म से प्लस है कि माइनस है वो आ गया, −8 + 1/4, तो ये मेरे पास 4 LCM आ गया, और ऊपर मेरे पास कितना आ जाएगा, −32 + 1 which is equal to −31/4। अब देखो हुआ क्या है, y + 1/2 का होल स्क्वायर जो है वो −31/4 आ गया। y अब रियल नंबर है, 1/2 रियल नंबर है, दोनों को ऐड करूंगा तो भी रियल नंबर मिलेगा, और उसका स्क्वायर करूंगा, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करूंगा तो वो या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, जीरो से छोटा तो हो नहीं सकता, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि y + 1/2 का होल स्क्वायर जो है −31/4 है, विच इज नॉट पॉसिबल, तो हम यहाँ लिखेंगे विच इज नॉट, इसको चलो मैं हटा देता हूँ, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये जो इक्वेशन है इसका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट नो रियल रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, तो जो गिवन इक्वेशन है ये इसका कोई भी ऐसा रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे डालें और ये जीरो के बराबर आ जाए, ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? तो आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए कि कैसे सॉल्व करते हैं। जस्ट इन केस अभी भी कोई दिक्कत है, जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो मैंने बताया था उसको जरूर देख लेना, उसके बाद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।